तो दोस्तों जय श्री राम, मैं हूं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं इस समय अयोध्या ब्लॉगर मुरली के साथ अयोध्या का व्यू। तो दोस्तों इस समय मैं बात करूं तो अभी इस समय मैं श्री राम हॉस्पिटल से निकला हूं मतलब उसी के पास से जस्ट, और मैं अभी आपको लेके चल रहा हूं अयोध्या की तरफ। और अयोध्या का जो चौड़ीकरण का मतलब इस समय जो दौर चल रहा है, मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब राम मंदिर जाया जाता है, और अभी मैं इस समय चौड़ीकरण का बहुत दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं जस्ट अभी आपको जल्दी ही वहाँ भी लेके चलूंगा। और मैं बात करूँ तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा मतलब जैसे अभी मैं बताऊं तो पेपर चल रहा है इस समय, तो उस समय भीड़ होना जरूरी जायज़ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे भी आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए। जो मैं बात करूँ, जो जितना चौड़ा होना था वो सब हो चुका है, और मैं बताऊँ तो आपको मतलब दुकानें भी और सब बनना चालू हो चुकी हैं। यहाँ का जो आप देख सकते हैं जो मतलब व्यू है, मतलब जो दुकानें कंप्लीट हो चुकी जितना होना था वो सब होने के बाद जो मैं दिखाऊं तो बनना भी चालू हो गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का शेप दिखाता हूँ मैं आपको, कोई कोई ऐसा शेप दिखाऊंगा। ये देखिए जेसीबी का छोटा भाई, ये है जेसीबी का छोटा भाई, मतलब जेसीबी का छोटा बच्चा कहें तो बहुत अच्छा होगा इसको। तो जेसीबी का छोटा बेबी हो चुका आ गया है इस ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए मतलब इतना पानी भर गया, क्योंकि यार यहाँ पे अभी जो वर्क है बहुत तेज़ी से चल रहा है वाइडनिंग प्रोजेक्ट का, क्योंकि भाई अभी जैसे मैं बात करूँ तो 14 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उससे पहले तो हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी उस समय, तो इधर वो ज़रूरी भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टूट चुका है कि मतलब इस समय। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको आगे की ओर, और मैं आपको दिखाता हूँ जो व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ का, बहुत से मतलब मैं बात करूँ तो बहुत से घर भी बन चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। और जैसे मैं बताऊं जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन था वो देख सकते हैं आप, मतलब मंदिर शेप का भी होना चाहिए। और ये देखिए मतलब बहुत से घर बन चुके हैं, और मैं आपको व्यू भी दिखा रहा हूँ सब घरों का। अभी मैं जस्ट मैं पहुँच चुका हूँ हनुमानगढ़ी के पास, और यहीं से हनुमानगढ़ी जाया जाता है, ये मेन रास्ता है, और मैं अभी लेके आपको आगे की ओर चल रहा हूँ। तो मैं लेके चल रहा हूँ अभी आपको आगे की ओर, और आपको आगे का पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं आप सब यहाँ पे दोस्तों। तो अभी जस्ट मैं मतलब महाराजा स्कूल की एक मतलब रोज गली है वहाँ पे जाया जाता है जहाँ से, उसी के पास पहुँचने वाला हूँ। और इस चौराहे का मुझे नाम नहीं पता था, तो मैं जस्ट मैं मतलब यहाँ पता था मुझे क्या लोकेशन है, वो पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं जस्ट अभी आगे पहुँचने वाला हूँ और दिखा, तो दोस्तों मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह मतलब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं घर का जो बना हुआ है वो आप देखिए, और आपको बताइए कैसा है मतलब यहाँ का जो बन रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस समय मैं दिखाऊँ आपको चौड़ीकरण का, तो भाई साहब इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हाल है अयोध्या का। और यही वो रास्ता यहाँ से जाया जाता है महाराजा स्कूल, और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी जो नाले का कार्य चल रहा है यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, देख लीजिए आप। और मैं लेके चलता हूँ भैया अभी आपके आपको आगे की ओर, वहाँ का भी पूरा मैं व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस समय मैं बात करूँ तो इस समय दुकानें जो हैं वो सब रिपेयर हो चुकी हैं, और बहुत सी दुकानें ओपन भी हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। और मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे जो मतलब वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है, कुछ दुकानें जो लग रही हैं वो रोड के पास ही लग रही हैं, जो कि मतलब अभी रोड इससे लगने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर जैसे मैं बात करूँ तो आप कि मतलब यार दिक्कत हो जाती है लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होने लगती है, तो भाई आज रास्ता भी मतलब जाम होने लगता है, तो इस वजह से। और मैं अभी आपको आगे का व्यू दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप आगे का पूरा व्यू, मतलब ये पूरा खाली हो चुका है और यहाँ पे एकदम साफ हो चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो दुकानें बन चुकी हैं उनका जो शेप देखिए वहाँ पे, मतलब एक मंदिर के डिज़ाइन का एक शेप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये देख सकते हैं आप मंदिर का शेप दिया गया है। और यहाँ पे आप बताएं बात करें तो ये देखिए, तो ये देखिए अभी मैं आगे आपको आगे की ओर ले कर चला आया हूँ रोड पर, और ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पर मतलब मूर्तियाँ बनती है। और चलिए मैं लेके चलता हूँ अभी आपको आगे की ओर, और दिखाता हूँ आपको आगे की आप पूरा व्यू। तो
यहाँ पे जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मतलब इस समय नाले का जो वर्क चल रहा है वो भी बहुत तेज़ी से है। लोगों को आने जाने में समस्याएं भी हो रही हैं, देख सकते हैं वहाँ पे मतलब जैसे कैसे यहाँ पे लोग लगा के मतलब पूरा लगा के और जैसे आर पार कर रहे हैं। दिक्कत भी है लेकिन क्या किया जाए, तो अभी मतलब बहुत तेज़ चल रहा है वर्क, तो अभी होना ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ की बात करूँ तो पेड़ पौधे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पेड़ उड़ की कटाई जाई बहुत तेज़ी से हो चुकी है, और अभी कुछ बच्चे हैं उन्हें भी काट दिया जाएगा बहुत जल्दी ही। और देख सकते हैं आप यहाँ का भी पूरा व्यू, और मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ का पूरा व्यू, यहाँ का जो बहुत तेज़ी मतलब यहाँ तो बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, अभी मैं लेके चल रहा हूं आपको राम पैड़ी की तरफ भाई, वो लता मंगेशकर चौराहे की तरफ, और मैं वहां का भी व्यू दिखाता हूं आपको। और यहां का भी देखा मतलब जो वर्क चल रहा है बहुत तेज़ है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए आप मतलब पूरा यहां पे तो बहुत भयंकर खोद दिया गया है, और बात करूं तो मैं यहां पे सिंगल रूट हो चुकी है, और यहां पे लोगों को दिक्कत भी बहुत है, देख सकते हैं आप यहां पे। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं आप यहाँ का मतलब अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ लता मंगेशकर चौक की तरफ, और मैं वहाँ का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कार्य जो तेज़ चल रहा है, और मैं आप व्यू की बात करूँ तो आप व्यू देखिए मतलब आप कहेंगे क्या बवाल कर रहा है भाई व्यू यहाँ का। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, और इस समय यहाँ पर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ये देखिए पूरा। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं जस्ट लता मंगेशकर चौक पे, और मैं वहीं पे अभी आपको दिखाता हूं वहां का पूरा व्यू दिखाता हूं, और मैं जैसे ही पहुंचूंगा मैं आपको वहां लता मंगेशकर चौराहे का व्यू भी दिखाऊंगा, और आपको मैं किनारे का मतलब यहां का साइड का व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। पीछे का व्यू दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा प्रयास करूंगा पीछे का व्यू भी दिखाने का। और अभी मैं पहुंच चुका हूं लता मंगेशकर चौक की तरफ, तो अभी लेके चलता हूं मैं वहां पे आपको चौराहे की तरफ, और दिखाता हूं आपको पूरा वहां का व्यू, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए मैं पहुंच चुका हूँ लता मंगेशकर चौक पे, और आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं आपको लता मंगेशकर चौराहे पे पहुंच चुका हूँ, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। और मैं अगर बात करूँ तो ये देखिए आप वहाँ पे वहाँ बजरंगबली की मूर्ति जी लगी है वहाँ पे, मतलब अपने कंधे पे प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लिए हुए हैं, बैठाए हुए हैं, उसके ऊपर एक प्रतिमा वहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अयोध्या का व्यू देखते रहिए हमारे साथ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।